श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। उद्यमेश्वर तंत्र की कड़ी चली जा रही है। अभी 6 महीने से हम लोग उद्यमेश्वर तंत्र के कई साधनाओं पर डिस्कशन कर चुके हैं। कुछ साधनाएं ऐसी थी जो मैंने बोला था आपको कि आप लोग करिए। यक्षिणी साधना में हर साधना करने के लिए नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत सारे कालखंडों में लिखा गया था और हर कालखंड में अलग अलग तरह के शक्तियों का उपयोग और प्रयोग होता है। अगर कोई ऐसी शक्ति जो कि कलयुग में निष्क्रिय है, अगर आप उसको साध लेते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए एक मुसीबत का घर खुल जाए। आज जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं, ये वो शक्ति है जो कि कोई भी साधक इस गुप्त नवरात्र में इसकी सिद्धि कर सकता है। इसकी सिद्धि करने से एक तो बहुत ही जाना माना या बहुत ही खोजे जाने वाला एक शक्ति प्राप्त होता है, वो होता है अकस्मात धन का, या उसको आप बोल सकते हैं कि खजाना। ये यक्षिणी सिद्ध होने के बाद खजाने का पता बताती हैं। इसके अलावा इन यक्षिणी नाम इनका है शमशाना, मतलब जो शमशान में रहती है, शमशान की जो पुत्री है वो है शमशान यक्षिणी। ठीक है, इसमें एक तो ये कहा जाता है कि आपको ये बहुत धन वैभव देती हैं। इसके अलावा गुप्त खजाने का पता और गुप्त खजाना निकालने का उपाय, जो हर स्तर के देवता हैं उनको मनाने का उपाय ताकि वो धन आप तक पहुंच पाए, ये एक वर ये अपने लोगों को देती है जिनसे ये सिद्ध हो जाती है। दूसरा कहा जाता है कि जो इस यक्षिणी को सिद्ध कर लेता है उसके ऊपर कभी बलाएं नहीं आती। ठीक है, वो जिस चीज़ के बारे में सोचता है कि वो उसको प्राप्त होनी चाहिए, वो सारी इच्छाएं ये पूर्ति करती हैं। और जो बीमारियां हैं, कहते हैं कि इनकी दृष्टि मात्र से, मतलब जो असाध्य रोग हैं, देखो जिस समय ये लिखा गया था, जब ये शास्त्र लिखे गए थे, जब ये मंत्र पे मतलब लोगों ने शोध किया था, उस समय कैंसर और एड्स जैसी बीमारियां थी नहीं। उस समय बड़ा बीमारी था अष्टवक की तरह पैरालाइज होने का। तो कहा गया शास्त्रों में कि शमशान यक्षिणी जिस पे दृष्टि भी डाल देती है उसके असाध्य रोग जैसे कि पैरालिसिस भी ठीक हो जाता है। तब सुनिए इस साधना को किया कैसे जाता है। पहला विषय, चोर चाय लुच्चे जैसे लोग इस साधना को नहीं कर सकते हैं। अगर आप में इनमें से कोई भी गुण है तो आप इस साधना से दूर रहें। ये आपके लिए बिल्कुल डू नॉट डू साधना है, क्योंकि इस यक्षिणी को बिल्कुल ही चतुर किस्म के लोग पसंद नहीं हैं। आप करिएगा तो आप अपने लिए स्वयं जिम्मेदार होइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो शुद्ध हृदय के साधक हैं वो इस साधना को करें। करना कहाँ है? इसको श्मशान में करना है, वस्त्र विहीन होकर करना है, और पूरे शरीर में श्मशान का आप राग जो है उसको मल लेंगे, उसके बाद इस साधना को करेंगे। इसका मंत्र है ओम द्राम द्रिम शमशाना वासनी स्वाहा। ओम द्राम द्रिम शमशाना वासनी स्वाहा। एक बार और सुनिए, ओम द्राम द्रिम शमशाना वासनी स्वाहा। 14 को यानी अमावस्या को, इस अमावस्या 2 तारीख को आप इसका जा करके संकल्प लेंगे शमशान भूमि में कि मैं अगले 9 दिनों में माँ शमशान यक्षिणी की साधना करूँगा। आप आ जाइएगा दूसरे दिन 9 माला की गिनती के बराबर, बिना रुद्राक्ष के माला के कर माला से आप गिनती करेंगे 9 माला। ठीक है, 9 माला करने के बाद 1 माला का आप दशांश हवन करेंगे शराब से। ठीक है, और 11 आहुति आप देंगे मधु की। ठीक है, इसके बाद पुष्प चढ़ा करके वहाँ से लौट आएंगे। ऐसा आपको 8 दिन करना है। 9वें दिन पूरे 9 दिन का दशांश हवन आप करेंगे और 108 आहुति देंगे मधु से। इतना करने से शमशान यक्षिणी आप पे प्रसन्न हो जाती हैं, और उसके बाद अलग अलग माध्यम से आपको अपने होने का आभास देंगी। सिर्फ आभास नहीं देंगी, वो आपको चीज़ें बताना शुरू कर देंगी। जब एक स्तर पर एक साधक पहुंच जाता है तो उसको
चीज़ें सुनाई और दिखाई देने लगती हैं। तो अगर आप उस स्तर पे हैं तो आपको चीज़ें दिखाई भी देंगी और सुनाई भी देंगी, ये हर चीज़ आपको बता देंगे कि आपको अब आगे ऐसा करना है, ये करना है और ये नहीं करना है, किस तरीके से आपके जीवन में ज़्यादा धन आएगा, दौलत आएगा, किस तरीके से आप लोगों के असाध्य रोग को ठीक कर पाइएगा, ये सारी विद्याएं ये आपको देंगी। आज के लिए इतना ही। ये अच्छी साधना है, जो साधक वर्ग के लोग हैं वो करें। गुरु मंत्र अपना पढ़ के करना, भैरव जी की साधना कर रखी है तो अति उत्तम होगा। कल मैं एक गुरु के बारे में बात करूंगा, स्वामी समर्थ के बारे में, और उनका मंत्र आप लोगों को दूंगा। तो जो लोग गुरु विहीन हैं वो स्वामी समर्थ को गुरु मान के, जैसे मैंने महावतार बाबा जी के बारे में बताया था, वैसे ही स्वामी समर्थ को गुरु मान करके उस मंत्र का जाप करते हुए साधनाएं कर पाएंगे। जिनको साधना का बेसिक विषयों के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे आसन मंत्र, दिशा बंधन, भैरव साधना, जो शुरुआती भैरव साधना है, उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए। जिनको भूत प्रेत में इंटरेस्ट है वो मेरा एक किताब है, हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, वो खरीद के पढ़ सकते हैं। मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrasya.xyz पर जाइए, वहाँ अपॉइंटमेंट सेक्शन है। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर, आप कॉल मी फॉर ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए, आप उस पर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आप सभी पे माँ शमशान यक्षिणी की कृपा बरसती रहे। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।